काय की पत्ती? अब वो पत्ती होती है वो की हैं, ट्रक है क्या? क्या बस? चार सवारी की पासेंगे कितने हो? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस इक्कीस कई कई लोग भरे हुए हाँ चार की जगह कई तीन कितने लोगों को बैठा सकते हो? कितने पता है तुम्हें कितने बैठे? गाय की मजबूरी है, कितने बैठे हैं? पंद्रह नहीं इक्कीस ये ऊपर बैठे हैं, सही है क्या? सही नहीं तो गाय को बैठाती हो? मान लो झटका लगे वो आठ टेम्पो तो तीन पहिया की, तीन पहिया मतलब जानते लंगड़ी गाड़ी करने कर गई जी, क्या करना है बताओ? अब वो कोई जा रहे हैं भाई साहब और क्या करे जाओगे? एसी बंद कर ले रहे। चलो ये बताओ कि जैसे तुम लोग ऊपर बैठे थे तो सही था कि गलत? गलत है। इसमें नुकसान हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या हो सकता है? आवाज गिर पड़े तो आवाज गाड़ी के नीचे आओ तो आदमी खत्म होगा। बताओ दस रुपया बचाने के चक्कर में खत्म होना चाहिए कि आराम से जाना? आराम से सही है। घाटी गांव से ड्यूटी पर जा रहे थे तभी हाईवे में देखा कि एक ऑटो पे छह लोग ऊपर सवार हैं और कुछ नीचे सवार हैं। जब उसको रोका गिनती करी तो उसमें एक छोटे से ऑटो में जिसमें चार पांच लोग बैठते हैं उसमें 21 लोग सवार थे। सभी सवारियों से पूछा क्या ये जिस तरह से आप लोग खतरे के निशान के ऊपर बैठे हैं क्या सही है? तो नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर ये गलत है लेकिन मजबूरी है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर था उसने सभी जो सवारियां थी उनसे कान पकड़कर उठा बैठक लगाकर माफी मांगी कि मैं दोबारा कभी आप लोगों को इस तरह से खतरनाक हालत में नहीं बैठाऊंगा और उसने भी उसे गलती का एहसास हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि इन सवारियों को की मदद भी करनी चाहिए तो छह सवारी थी उनको मैंने अपनी गाड़ी में बैठाकर जो उनका गंतव्य स्थान था सिमरिया मोड़ तक उनको छोड़ा और फिर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। एक संदेश है कि हम इस तरह से 10 रुपए बचाने के चक्कर में इतना बड़ा खतरा मोल ना